अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख अहमद अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, बंजारा हिल्स जरा नगर कुंटे में मुसलसिल एक फैमिली को हिरासा किया जा रहा था, परेशान किया जा रहा था, और ये परेशान करने वाले उन्हीं के पड़ोसी हैं। जो बताया जा रहा है कि मोहम्मद महमूद अली जो होम मिनिस्टर हैं उनके वो भांजे हैं, और ऐसा करके ये गरीब लोगों को डराया धमकाया जा रहा था, और आखिरकार कुछ GHMC के लोगों को और कुछ लेबरों को लेकर इनके घर को तोड़ा गया। ये बताने की कोशिश की गई कि ये इलीगल तरीके से घर बना है, लेकिन इनके पास रजिस्ट्री है और सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। तो फिर कैसे इलीगल हुआ, और वो कौन लोग हैं जो इस तरह से इनके मकान पर आकर ये घर को तोड़े हैं? फौरन कार्रवाई करने की ज़रूरत है। शिकायत तो की गई, लेकिन जिस तरह से ये रुसूखत बता रहे हैं होम मिनिस्टर तेलंगाना के, तो उसमें पुलिस कहीं ना कहीं पूरी ईमानदारी से काम नहीं करेगी। लेकिन पुलिस को चाहिए कि आम लोगों की हिफाजत करे और उनकी शिकायत लें। इस तरह से ना जाने कितने लोगों को ये इसी तरह से डराए हैं, और गोली मारने की भी धमकी दी जाती है, फिर रिवॉल्वर कहाँ से आया। ये तमाम चीज़ की पुलिस को चाहिए कि पूरी ईमानदारी से तहकीक करे, ताकि सच्चाई क्या है वो सामने आए। क्या ये वाकई भांजे हैं, या फिर रिश्तेदार हैं, या फिर सिर्फ नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं? ये सच्चाई सामने आने की ज़रूरत है। और ना जाने कितने गरीब लोगों को इस तरह से सताया गया है। एक गरीब फैमिली रो रो कर क्राइम टूर से बात की है। एक मजलूम को, गरीब को इस तरह से सताना कहाँ तक सही है, बड़ी अफसोस की बात है। इस तरह से हमारे शहर हैदराबाद में जुल्म किया जा रहा है, जहाँ पर पुलिस बड़े बड़े दावे और वादे करती है, वहीं पर इस तरह के लोग खुलेआम गुंडागर्दी करते हैं। पुलिस को चाहिए कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई करें, जो लोग रुपयों के बलबूते पर, अपने रसूखात के बलबूते पर गरीब और मजलूम को सताते हैं, उन पर जुल्म करते हैं। एक ऐसा ही यहाँ पर देखने को मिला। उम्मीद करते हैं कि फौरन इस पर तवज्जो दें और कार्रवाई करें, ताकि फिर कभी कोई मजलूम और गरीब पर इस तरह का जुल्म ना हो। कितने लोग, ये लोग एक एक रुपया जमा करके घर बनाए हैं। घर बनाना, घर रहना हर किसी का एक ख्वाब होता है, सपना होता है। ये गरीब लोग दिन रात मेहनत करके घर बनाए थे, और वो घर को तोड़ा गया है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनके दिल पे क्या बीती होगी, और ऐसे लोग एक गरीब लोगों पर ही क्यों जुल्म करते हैं। बहरहाल, पुलिस को चाहिए कि पूरी ईमानदारी से इसमें कार्रवाई करें। शेख शफी की ये रिपोर्ट देखिए। इन्हों सुजात अली है, इन्हों होम मिनिस्टर के भांजे बोल के बोल रहे, इन्हों इस कर रहे हम आपको, इन्हों सता रहे। रोनको मारो, रोनको रोनको। घर पे आके अटैच कर रहे हैं साहब, इससे पहले अटैच कर रहे, कंप्लेंट करे तो लेडीज़ को मारे, बच्चे को मारे, सबको मार के हंगामा करे साहब। कंप्लेंट कर लो बोलने बाद फिर आके फिर हंगामा करके घर तोड़े। इनका नाम क्या? सुजात अली होम मिनिस्टर के भांजे हैं, बोल बोल के भांजे हैं। उनका नाम लेके हम आपको ज्यादा दिखे तो तुम्हें गोली छुड़ा दे, तो हमारे घर के तरफ दिखना नहीं बोल रहे साहब ना। अब छेद पे आकर ठहरना भी नहीं। नीचे थैला डाल यहाँ पे कुछ भी नहीं है।
नंबर नहीं बनता करो मैं बोलता हूँ बोलो जब तक वहाँ मारो तो उधर उधर मारो कोने में डालो बोले किरण साहब फोन मार ये नंबर नहीं सर वो लाख है साहब हमारे बच्चे का लाख है वो दूसरे का फोन ला लो वो सर रोटन स्टार्ट नैन हलो अनेक जरा होल कैसा करे कैसा साहब बोलो सर बीच में बच्चे हैं बच्चे सो रहे वहाँ बच्चे सो रहे पानी डालो बोलो साहब अन्नी डालो बोलो अन्नी जारी पो सर नीचे अर्थम मल्ली रास्क अर्थम अयो ना कोसम का नी को मल्ल సెంటర్లేదు సార్ నేను రెండు కొట్టినామనుకో మేము వెళ్ళిపోతాం మళ్ళీ తర్వాత దానికి ఆ మార్నే కదా క్యా హోతా ఎక్కువ కేసు రైతానా అస్సలాం అలైకుం మై బంజరెల్ సే చింగడా కుంటే సే బాత్ కర్ రహా హూం కమేటీ హాల్ కే నీచే మేరా ఘర్ హై सब मेरा घर पे मैं रजिस्टर की जमीन है नो एंट्री नहीं है मैं खुद करके रजिस्टर कर ली मैं 4 साल से लेके घर में छो रो रही मैं बाहर नहीं है हम लोग किराए पे दे के नहीं है खुद के घर में हम लोग रह रहे सुजाजन बोल के है ये बाजू में पड़ोसी है हम आपको बहुत तकलीफ दे रहे सब 3-4 साल से बहुत तकलीफ दे रहे हम लोगों को हमें उन्हों से मोहब्बत से रहो को बात करके भी तकलीफ दे रही है सब गिरा के अटैच करके मेरी छोटी नवासी झूले में है सब मेरी नवासी झूले में रहे तो हम लोग 4 जने बहू बेटी हम लोग सब जने यहाँ पे बैठे हुए है पीछे से आके हम लोगों को ड्रीम मशीन लगा के पीछे से आके बड़ी मशीन लगा के पीछे से आके आवाज़ नहीं करे सर का पूरा तोड़म तोड़ी करके हम लोग बाद में जाके ऊपर देंगे तो मेरी बेटी जाके पैराम पड़ रहे तो पूरा स्लैब बीच में तोड़ने गए तो स्लैब नक्को तोड़ो बोल के थोड़ा बाजू से आके बाजू तोड़ो बोल के बाजू से तोड़ाए सब तोड़ा के इतना करके GSMC वाले खाली एक ही जने है सुजात सर रेडी बाजू ठेरे हुआ है तोड़ो मैं क्या करते देख लेती हूँ नहीं बोले तो उनको गोली मार के अटैच करती हूँ बोल के हमारे को डरा के रख रहे सब महमूद अली के होम मिनिस्टर के साल भांजे है बोल के बोल रहे उन्होंने ऐसा कर रहे सब भांजे भी रहेंदे भाई भी रहेंदे कौन भी रहेंदे ये गरीब के वास्ते ये क्या है सब ये ना इंसाफ भी नको करो हमारे इंसाफ दे दो ये गरीब की दुआ ले लो सब हमारे को ये तकलीफ नको दो सब हमारे को बच्चे वाले मेहनत कर लेके खाने वाले हम मजरी मोल करके गाँव में रहो सब प्रॉपर्टी पूरी बेच के मैं आके मेरे एक बच्चे के वास्ते हैदराबाद में जी रहूँ सब मेरा बच्चा सही सलामत से रहना बोल के मेरे एक बच्चे का तो इतनी तकलीफ करके मैं खरीद के मैं आज से नहीं खरीदी उनके पास से जाले से आले से मोहब्बत से रहते रहते दुश्मनियाँ बना दिए सब हम लोगों को पड़ोसी ये बात माँ का अच्छा रहने से ये सब तोड़ दिए बबलू साहब कुछ भी नहीं बोले बबलू साहब के सामने भी भन ली मैं बबलू साहब भन ले तुम गरीब है बोल के बोले ये इतने बड़े बड़े बिल्डिंगे हैं उनको तकलीफ नहीं दे रहे सब मेरा नीचे रहने से प्रॉपर्टी क्या तकलीफ हो रही सब उनको क्या कर रहे क्या नहीं सुजा सर रेड्डी दामाद है बोल के बोल रहे उनको दामाद रहे तो दामाद ये
दामाद रहे तो ये सोनिया में ऐसी चुखो मत कर रहे क्या, कंप्लेंट करते गोली मार दे हमारे घर पे दिखे तो हमारे कंप्लेंट करे तो तुम्हारे क्या करती, तुम्हारे गोली मार दे तुम बोल के डरा दे रहे सब, गोली भी मारो सब, हम करे सो गलती रहे तो गोली भी मारो सब, हमारे एक बचने वाले को नको करो सब, ये हालत क्या करते सब, मेरा 20 लाख नुकसान हुए, 10-12 लाख जब रखी सब, उन्होंने मेरे घर पे आके मेरे कुछ अटास करके मेरे बच्चों को खींच के जब ये कर दिए, बात तो लड़ने आते सब, लड़ने आए तो बात करे तो होम मिनिस्टर के भांजा हूँ मैं, भांजा हूँ बोल के बोलते सब, भांजा भी रहते क्या करेंगे हम लोग, हम भांजे भी रहे तो सही सलामत रहो, पड़ोसी है मोहब्बत से रहो, हमारे से इधर से नहीं आया सर का बबलू के बाउंड्री में से निकल के बाउंड्री से निकल से आके उधर से मशीन लेके 4-5 जने को अड्डे से लेकर के कूदम कूदी करके मार के बाद में तोड़म तोड़ी आवाज आ रही बोल के मेरी बच्ची, हमको कुछ भी हो गए ना, हमको कुछ भी करे ना, ये तकलीफ है नको दे, हम कुछ भी करे ना, आपके घर के सामने आके हम दफना करो पेट्रोल डाल के हम मर जा बोले तो मर जाते, हमको नाइन साहब नको दे, सब जने केसर साहब केटीआर साहब सब जने हमको इंसाफ दे दे, हम आजू बाजू को 5-6 फ्लोर है बबलू भाई उनके बाजू को फ्लोर है, इतने फ्लोर पे तकलीफ नहीं है, आजू बाजू पड़ोसी भी तकलीफ नहीं है, ये कई को तकलीफ, मेरा नीचे रहने से क्या तकलीफ, गरीब है कोई भी ये नहीं है, बल्कि हम लोग गरीब हैं बल्कि सतारे, मेरे हस्बैंड लेबर काम करके बच रहे, मजरे करके बच रहे, हम ये तकलीफ नको दे, सब जने केसीआर को केटीआर को सबको महमूद अली साहब को सबको सलाम, मेरे लिए दुआ कर दे सब, मेरे मंजूर से मेरे इंसाफ दो, मेरा ये क्या है ये ना इंसाफ नको करो, मेरे इंसाफ दो, मैं ये घर मेरे क्या है, पहले जैसा कैसा था वैसा मेरे को बना के मेरे को सब करके दे सब, हम आपको नको करो ये तकलीफ, 4 लाख रख कर रजिस्टर भी कर लिया बोलो, मैं नो एंट्री नहीं है, मेरा खुद का घर जमीन है मेरी, रजिस्टर कर ली मैं केसर के सब, और रजिस्टर कर ली मैं 4 लाख रख के मैं रजिस्टर कर ली मैं, टैक्सो बांध रही रजिस्टर ऑफिस है मेरा, सब बिल्ला है मेरे, क्यों सो क्या कागज होना बोले तो वो देती मैं, मेरे पास पूरे रिटर्न है क्या नहीं है क्या नहीं, ऐसा कहीं को कर रहे मेरे इंसाफ दे, मेरे 40-20 हज़ार 4 लाख ऐसा नुकसान 10-12 लाख नुकसान हुआ मैं इंसाफ दे, सब जने मिल के मेरे नाम जो है मूर्ति है, ये सिंगाड़ी बस्ती का जो है वेलफेयर कमेटी जो प्रेसिडेंट हूँ मैं कम से कम जो है 20 साल जो है मैं कर चुका हूँ, हालहाल में जो है दूसरा आदमी को यदि यहाँ है जो है मैं रिजाइन करके जो है मेरे को हेल्थ प्रॉब्लम है करके, लेकिन जो है ये ज़मीन का अभी ये घर की और जो ऊपर का जो घर का जो है कोई दखलंदाज नहीं थे, वो लोग को कौन लिए, ये बस्ती जो है ये सिंगाड़ी बस्ती है, ये सिंगाड़ी खुंटा भी बोलते, लगभग जो है 300 घर है, 300 घर में जो है कम से कम 2 किलोमीटर का जो लेंथ है, ये 2 किलोमीटर लेंथ में जो है पूरा जो है बाउंड्री बन चुकी है, क्वानली का जो है बाउंड्री बन चुकी है, बाउंड्री का नीचे वो लोगों को ये पैर का जो है जागा वो लोगों को नहीं है, ये 4 महीने के पहले किरकिरी हो गए तो मैं बोल दिया उनको, ये सुजाता अली को मैं बोला क्योंकि साहब आपका जो है ऊपर का जागा है, नीचे का जो है ऑलरेडी बाउंड्री बन चुके, आप घर बनने से पहले ऑलरेडी जो है बाउंड्री बन चुके, बाउंड्री आप नहीं बनाया है, वो लोग जिसने जो प्लाटिंग करके जो भेजे वो लोग जो है बाउंड्री जो बनाया वो लोग आपको नहीं मालूम हूँ, क्योंकि जो है हर आदमी जो है उधर से ये 2 किलोमीटर का जो पूरा जो है 300 घर का हर आदमी जो है सेट के बनाए सोए, प्रहारी जो है आपका जो ऊपर की जागा है, नीचे का जो है प्रहारी जो सेट के बनाए सो है, इधर नीचे आपका कोई जागा नहीं है करके बोलो तो खामोश चला गया, फिर उसके बाद जो है मेरे को जो थोड़ा दिन जो है मैं इधर इधर गया तो जो है किरकिरी जो घर बनाए सो घर बन गया, पुलिस स्टेशन के भी गया, बल्दिया के भी गया, किधर किधर गया, लेकिन ये घर जो है कम से कम 20-25 साल से जो है आल बन चुके हैं, रजिस्ट्रेशन भी है और जो परमिशन भी है इसका जो टैक्स भी है, बल्दिया का टैक्स भी है, लेकिन काई को उनको जो है क्या है कि मालूम नहीं है, इनका जो है ये पूरा जो है 300 घर जो है कम से कम लगभग ये दीवार को जो है लग के कम से कम जो है 50 घर दीवार को लग के खाली इसका घर की है, एक ही घर का जो है उन्हें आना का जो है मतलब क्या है नहीं मालूम आ रहा, हो सकता है उन्हें जो है मोहम्मद अली साहब जो है ये जो मोहम्मद अली साहब जो है वो मिनिस्टर ये जो है अपना तेलंगाना का जो वो मिनिस्टर है
उनका अपने को कोई तकलीफ नहीं है, जो है पालन भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन उनका नाम लेके बदनाम कर रहे हैं। हमारा जो है भांजा है, मैं वो मिनिस्टर का भांजा हूँ, अगर जो है उन तुम लोग को जो बीच में आए तो जो है मैं गोली मार देता हूँ, धरा के जो है धमका के इन लोगों को जो है, ये गरीबा है, लेकिन जो है थोड़े ये देखिए, ये बच्चा भी इधर सो रहे थे, बच्चे इधर सो रहे तो जो है ऊपर जो है वो लोग जो है बस आके जो है खोद ले रहे, तो ये जो है मर्दा नहीं था। और जो औरत आदमी जो ऊपर भाग के गए तो ये क्या बोले तो अरे मैं तोड़ दे रहा हूँ घर जो है, तुम जो है बीच में नया ना जो गोली मार देता करके उनको औरत को जो डरा रहा। इस नाम जो है मूर्ति हैं, ये सिंगाड़ी बस्ती का जो है वेलफेयर कमेटी जो प्रेसिडेंट हूँ मैं कम से कम जो है 20 साल जो है मैं कर चुका हूँ। हालहाल में जो है दूसरा आदमी को यदि यहाँ है जो है मैं रिजाइन करके जो है मेरे को हेल्थ प्रॉब्लम है करके, लेकिन जो है ये जमीन का अभी ये घर की और जो ऊपर का जो घर का जो है कोई दखलंदाज नहीं थे, वो लोग को खान लिए। ये बस्ती जो है ये सिंगाड़ी बस्ती है, ये सिंगाड़ी खुंटा भी बोलते, लगभग जो है 300 घर है, 300 घर में जो है कम से कम 2 किलोमीटर का जो लेंथ है, ये 2 किलोमीटर लेंथ में जो है पूरा जो है बाउंड्री बन चुकी है, क्वानली का जो है बाउंड्री बन चुकी है। बाउंड्री का नीचे वो लोगों को ये फायर का जो है जागा वो लोगों को नहीं है, ये 4 महीने पहले किरकिरी हो गए तो मैं बोल दिया उनको, ये सुजाता अली को मैं बोला क्योंकि साहब आपका जो है ऊपर का जागा है, नीचे का जो है ऑलरेडी बाउंड्री बन चुकी, आप घर बनने से पहले ऑलरेडी जो है बाउंड्री बन चुके, बाउंड्री आपने ही बनाया है, वो लोग जिसने जो प्लाटिंग करके जो भेजे वो लोग को जो है बाउंड्री जो बनाया वो लोग आपको नहीं मालूम हूँ, क्योंकि जो है हर आदमी जो है उधर से ये 2 किलोमीटर का जो पूरा जो है 300 घर का हर आदमी जो है सेट के बनाए सोए प्रहारी जो है आपका जो ऊपर की जगह है, नीचे का जो है प्रहारी जो सेट के बनाए सो है, इधर नीचे आपका कोई जगह नहीं है करके बोलो तो खामोश चला गया। फिर उसके बाद जो है मेरे को जो थोड़ा दिन जो है मैं इधर इधर गया तो जो है किरकिरे जो घर बनाए सो घर बन गया, पुलिस स्टेशन के भी गया, बल्दिया के भी गया, किधर किधर गया, लेकिन ये घर जो है कम से कम 20-25 साल से जो है आल बन चुके हैं, रजिस्ट्रेशन भी है और जो परमिशन भी है इसका जो टैक्स भी है, बल्दिया का टैक्स भी है, लेकिन कई को उनको जो क्या है कि मालूम नहीं है, इनका जो है ये पूरा जो है 300 घर जो है कम से कम लगभग ये दीवार को जो है लग के कम से कम जो है 50 घर दीवार को लग के खाली इसका घर की है, एक ही घर का जो है उन्हें आना का जो है मतलब क्या है नहीं मालूम आ रहा। हो सकता है उन्हें जो है मोहम्मद अली साहब जो है ये जो मोहम्मद अली साहब जो है वो मिनिस्टर ये जो है अपना तेलंगाना का जो वो मिनिस्टर है उनका अपने को कोई तकलीफ नहीं है, जो है पालन भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन उनका नाम लेके बदनाम कर रहे हैं। हमारा जो है भांजा है, मैं वो मिनिस्टर का भांजा हूँ, अगर जो है उन तुम लोगों को जो बीच में आए तो जो है मैं गोली मार देता हूँ, धरा के जो है धमका के इन लोगों को जो है, ये गरीबा है, लेकिन जो है थोड़े ये देखिए, ये बच्चा भी इधर सो रहे थे, बच्चे इधर सो रहे तो जो है ऊपर जो है वो लोग जो है बस आके जो है खोद ले रहे, तो ये जो है मर्दा नहीं था। और जो औरत आदमी जो ऊपर भाग के गए तो ये क्या बोले तो अरे मैं तोड़ दे रहा हूँ घर जो है, तुम जो है बीच में नया ना जो है गोली मार देता करके उनको औरत को जो डरा रहा। जी साहब, मेरा नाम चिन्नू खान है साहब, मैं कम से कम 25 साल से हूँ साहब, लेके ये एरिया में रह के सिंगाड़ा कुंटा बस्ती है, रोड नंबर 10 पे है, नीचे बस्ती में हूँ साहब मैं। अब आके अचानक पहले से झगड़ा करे उन आके प्रोजेनर साहब को के बाजू वाले है, सब लोगों को एतराज़ नहीं कर रहे, उन आके एतराज़ करे तो मैं क्या हुआ साहब, क्या हुआ साहब, तो मेरे छोड़ के बंद को बोल रहे साहब, मैं रजिस्ट्रेशन ज़मीन है साहब मेरी, नीचे से G+1 बने हुआ है साहब, पुराना है पहले से G+1 बने हुआ है, कहीं को छोड़ो साहब बोल के मैं थोड़ी बहुत बहस कर लिया तो घर पर आके अटैच करके हमारे बीबी बच्चा को खींच के मार के फ़ोन लेके उधर बाउंड्री में फेंक दिए, उनके बाउंड्री में फेंक दिए, तो हम जाकर PF में जाके कंप्लेंट करे साहब उनके नाम पर, कंप्लेंट करने के बाद कैसा हमारे ऐसा है तो उस्मानी जाके रिपोर्ट आ लाए साहब, उस्मानी भिजा दिए वहाँ पुलिस स्टेशन में जाके, उस्मानी जाके तुम रिपोर्ट ड्राप करके आओ बोल को बोले, वहाँ से जाके उस्मानी रिपोर्ट आ लेने के बाद फिर उन लोग हम बोले क्या कैसा क्या ऐसा वैसा बोले, तो नहीं ऐसा नहीं करेंगे तुम जाके घर बनने करो बोल को पुलिस स्टेशन में बोले, घर बना ले तुम्हारे हक पे तुम है ना, तुम रजिस्ट्रेशन है तुम बना लो बोल के बोले तो भी फिर भी नहीं बनाए हम, पूरा केस क्या करने का करने के बाद करेंगे बोल के हम लोग खामोश हो गए साहब। फिर आने का साहब कैसा करेंगे साहब बोल को उन्हें भी पूछा, और ठीक है कंप्रेशन कर लो 2 फीट को तो मेरे छोड़ दो मेरा जिग की तरफ, ठीक है साहब छोड़ देता हूँ साहब आपके जगह की तरफ कितना है होता छोड़ देता हूँ साहब, मैं रजिस्ट्रेशन रहे तो भी आपकी मंजूरी से छोड़ देता हूँ साहब बोले तो, हाँ चलो कॉम्परेशन कर लो आप बनना है तो बन लो सब बोल के बोल दिया होना।
अब बोलने के बाद इजाज़त देके कॉम्प्रेशन कर दिए साहब, केस माफ़ कर ले करने बाद हम भरने शुरू करे तो फिर आके एक बार दीवार तोड़े साहब, दीवार तोड़ प्रॉपर्टी बेचा मई, घर बेच लिया, पूरे बेच ले, पूरे बर्बाद कर ले, बच्चे कच्चे आके इधर से बाउंड्री से पार होके उधर बाहर साइड से आके कुदा के तोड़ने लगा है साहब। वो ट्रैक्टर की मशीन ला के बड़े बड़े घना ला के एक आठ दस जनक लेबर ला के अड्डे पर से ला के हमारे घर में पता नहीं है छत के ऊपर से आके पूरा छत के ऊपर से आके कूद के छत में मार दिए, पूरा बाउंड्री पूरा दीवार तोड़े। ऐसी झूला झूल रही थी नीचे, छोटे औरत पर बहुत ही हमारी बेटी थी, हमारी बीबी भी बाजू में झूले में झूल रही थी मेरी पोत्री। अब आने के बाद मैं गता बोले तो रिक्वेस्ट कर रहा नहीं साहब को बोले तो नहीं मैं बाजू से तोड़ तो मैं तोड़ो बोल रहे हैं, बाजू वाले बिल्डिंग वाले तोड़ो बोल रहे हैं, बल्कि जबरदस्ती से करके अड्डे पे से लोगा ला के अब सुजा साहब को बोल के इधर बाजू में रहते साहब, उनके दामाद है, हाँ पड़ोसी हैं हम लोग, हम उनके नीचे हम रहते। अब ऐसा करके तोड़ने लगा है साहब, उन्हें ठहरे ऊपर बिल्डिंग के ऊपर ठहर के तोड़ने लगा रहे साहब, जबरदस्ती से लेवर अड्डे से ला के तोड़ने लगा रहे। हमारे लोग आए तो पूरे भाग गए, हम लोग आके बहुत बात करे तक हमारे रूना आई ना बस्ती के लोग आए तक सब छोड़ के चले भाग गए साहब। होना जे एस एम साहब ने बोल के एक जने थे, उसके बाद वो ये बोले काम करके भाग गए साहब उन लोग। ऐसा मजबूरी हालत में मैं जो कुछ करा है पूरा ऊपर के छत दो बाहर हिस्सा ये हिस्सा दो हिस्सा दो बड़े बड़े चार बजा के होलान डाले पूरा बीच में तोड़ने वाले थे, नहीं अनिक तोड़ तो अनिक तोड़ तो बोल के अनिक तोड़ दे के दीवार तोड़ दिए, उधर से दीवार तोड़ दे के ऐसे काम करे साहब। हम लोग पीछे से आ गए इधर ऊपर से ये इधर से बंजाम भी करे और पी एस में भी करके आए साहब, हम कंप्लेंट करके आए अभी तक उन लोग बोलते बोल को बोलने में है। हाँ बंदियाँ भी करे साहब, बंदा में करे पी एफ सी में करके आया, आज आता हूँ बोल को बोले पुलिस वाले जाके पहले जो कंप्लेंट था उसको जो हमारे साथ नाजायज तकलीफ करे सुजा साहब, हमारे हक पे हम जो जिले रहे गरीब लोग हैं साहब, हम मुजरी करके खा रहे, मैं लेबर काम कर लेता हूँ, मेरा बेटा छोटा मोटा हिल स्टेशन काम करता साहब, हम पूरा मजबूरी आ रहा गाँव में जो प्रॉपर्टी रहे सो बेच के आके कर लिए साहब, ये हमारे नाजायज काम करे पुलिस साहब ऊपर से ठहर के मारने लगा रहे साहब उन लोग आके, अब इंसाफ दिलाना है साहब, हम लोगों को इंसाफ भी करना है। निकाल दे ऊपर निकाल दे तो ये कपड़ा गए बच्चे को डाले थे सब झूले में, छोटी बच्चे को झूले झूले में डाले थे, हाँ झूले में डाले
अल्हम्दुलिल्लाह अपने मुकद्दस नाम की तरह हर दुल्हा दुल्हन की हयात नौ के आगाज का बावखार नाम HKGN फर्नीचर्स। जी हाँ, HKGN फर्नीचर्स NRIs कारनशीन फैमिलीज के लिए दीदाजेब शानदार शाहकार मजबूत और पायदार दिलकश और दिलनशी शादी के फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम अब शास्त्रीपुरम किंग कॉलोनी मेन रोड के पुरसुकून माहौल में। पसंद फरमाइए आपकी शहजादी के लिए खूबसूरत जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सिर्फ 29,999 रुपए में। जी हाँ, 29,999 रुपीस। जी हाँ, फख्र हिंदुस्तान सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवेसी साहब के मकान के बिल्कुल करीब आपका अपना HKGN फर्नीचर्स। 9618650827।